नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का बोर्ड है, ये ऑडी एम्पलीफायर बोर्ड है, सेलकॉन कंपनी की है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम इसके साउंड टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो इसको अपन निकालते बाहर, ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया सा बोर्ड है और काफ़ी बड़े हेवी सा बोर्ड है ये। देखिए दोस्तों इसमें लगी है दोस्तों 4 ट्रांजिस्टर लगी है, TTC 5200 और TTA 1943 के 4 ट्रांजिस्टर इसमें लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। और साथ में इसमें DC SMPS सप्लाई भी लगी हुई है, जिस पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर लगी है MOSFET, 4 MOSFET जो लगी है ये लगी है आपका P55 की, चारों MOSFET इसमें लगी हुई है। और ये BT सेक्शन है, BT सेक्शन में एक 4558 का ICB लगी हुई है BT के लिए। और देखिए दोस्तों ये जो है 3535 के आउटपुट देने वाली पावर सप्लाई इसमें लगी है, ठीक है दोस्तों। और ये है आपका एम्पलीफायर, 2 चैनल के एम्पलीफायर। और साथ में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें एक BT सेक्शन भी दी हुई है, जिसमें आपका एक ICB लगी हुई है। और ये जो IC है ये आपका 4558 है, ठीक है, 4558 के IC लगी हुई है। और इसमें साथ में दोस्तों कंप्लीट बोर्ड है ये, वॉल्यूम कंट्रोल और बेस टेबल सभी इसमें लगी हुई है। इस बोर्ड में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें कंप्लीट है, वॉल्यूम कंट्रोल बेस टेबल सभी इसमें लगी हुई है। साथ में 5 वोल्ट की आउटपुट भी इसमें दी हुई है, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक 7805 लगी हुई है 5 वोल्ट DC आउटपुट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑडी इनपुट है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऑडी इनपुट है। और ये आप देखिए दोस्तों ये स्पीकर के आउटपुट है, यहाँ पे 2 चैनल के स्पीकर के आउटपुट है। और यहाँ पर आपका 12 वोल्ट DC। इस बोर्ड में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बैटरी कनेक्ट करना है, स्पीकर लगाना है, USB मॉड्यूल भी इसमें लगाना है। इसको प्ले करके आप इसके साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। आप इसको ट्रैक्टर, ट्रक या बस, लॉरी कुछ इसी में भी लगा सकते हैं, काफ़ी हेवी सा एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों। ये 200 वाट की बोर्ड है, ये सिर्फ 200 वाट की बोर्ड है, लेकिन काफ़ी हाई पावर और पावरफुल बोर्ड है। देख सकते हैं इसकी बनावट को भी, आप देखिए कितने शानदार बोर्ड है ये, हेवी सा हीटसिंग इसमें लगी हुई है दोस्तों। इस बोर्ड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे 12 वोल्ट की, उसके बाद हम इसमें एक USB मॉड्यूल को लगा लेंगे, फिर 2 स्पीकर लगा के हम इसके साउंड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ये इसकी मेन वॉल्यूम है, ये आपका टेबल्स है और ये आपका बेस है, सब कुछ इसमें कंप्लीट है, हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो पार्ट्स का इस्तेमाल की हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो PVC है, बोर्ड की PVC वो भी काफ़ी शानदार है, 3535 के आउटपुट वाले SMPS पावर सप्लाई इसमें लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 4 डाइवर्ट इस तरफ लगी हुई है और 4 डाइवर्ट इस तरफ लगी हुई है, ठीक है। और इसमें जो ये MOSFET लगी हुई है ये P55 है, ठीक है, ये Z44 नहीं है, ये P55 की 4 MOSFET इसमें लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 3525 की एक ड्राइवर IC लगी हुई है, ये यहाँ पर 3525 की एक ड्राइवर IC लगी हुई है, जो कि ये पावर सप्लाई को ड्राइव करता है। और इसकी जो DC इनपुट है 12 वोल्ट वो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर DC इनपुट है, ये देखिए यहाँ पर है, ये 24024 की इनपुट यहाँ पर है, जो सीधा यहाँ से आके ये पावर सप्लाई में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, इसमें बेस टेबल्स और जो मेन वॉल्यूम कंट्रोल सब इसमें ऑलरेडी लगी हुई है 5 वोल्ट DC के लिए। यहाँ पर एक 7805 भी लगी हुई है, 5 वोल्ट के आउटपुट वायरी यहाँ पर है। और ऑडियो इनपुट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये वायर इसमें लगी हुई है, ठीक। तो इसमें हमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट है। हम इसमें ये स्पीकर के वायर है, ठीक है, 2 स्पीकर के वायर यहाँ पर लगी हुई है, एक स्पीकर के वायर यहाँ पर है, एक स्पीकर के वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त बोर्ड है ये। तो इसके साउंड की टेस्टिंग अब हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पावर इंडिकेटर के लिए 2 LED इंडिकेटर भी इसमें लगी हुई है, बिल्कुल कंप्लीट सा है बोर्ड, कंप्लीट सा बोर्ड है ये। और जो ट्रांजिस्टर इसमें लगी हुई है
चारों तोशीबा की लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है देखिए तोशीबा जापान। तो दोस्तों अब हम इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और साथ में लगा लेते हैं 2 स्पीकर और एक यूएसबी बीटी पैनल को लगाकर हम इसके साउंड की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बोर्ड होगी, तो ये लाइट से चलने वाली बोर्ड नहीं है दोस्तों, ये डीसी बोर्ड है। ठीक है, डीसी बोर्ड है, इसको आप किसी भी गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो DX5200 बोर्ड आता है ये उसी के जैसा ही बोर्ड है, बिल्कुल DX5200 के जैसा ही बोर्ड है, सिर्फ इसकी बनावट थोड़ी सी अलग है, उससे कुछ अलग नहीं है। DX5200 से कोई अलग बोर्ड नहीं है, एक जैसा ही बोर्ड है और ये उससे काफ़ी छोटे साइज़ में है। तो दोस्तों आप इसको बड़े ही आसानी से किसी भी कैबिनेट में फिट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको पेटी में भी फिट कर सकते हैं, ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए पेटी में भी इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्पीकर और बैटरी लगा लेते हैं, फिर इसको अपन प्ले करके इसके साउंड की क्वालिटी को सुन लेते हैं। दोस्तों हम इसमें लगा लेते हैं 8 इंची के 2 स्पीकर लगा लेते हैं, जो कि आपकी 100 120 mm की मैग्नेट वाली स्पीकर है। ठीक है, एपवेक्स कंपनी के, ये दोनों को हम इसमें लगा लेंगे और साथ में एक 12 वोल्ट की बैटरी को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसके साउंड की क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों आप इस बोर्ड को ऑनलाइन से डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं, सेलकॉन के साइट से, सेलकॉन की वेबसाइट से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं, और आप चाहे तो इसको अमेजन से भी ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें बैटरी और स्पीकर लगा लेते हैं, फिर हम इसके साउंड की क्वालिटी भी मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा जो स्पीकर बॉक्स है इसके साथ मैंने हमारा प्लेट को कनेक्ट कर दिया है। इसमें दोस्तों लगी हुई है 8 इंची की 2 स्पीकर लगी है, दोनों स्पीकर 100 वाट के और 120 mm की मैग्नेट वाली स्पीकर है दोनों, और बीच में जो लगी है ये सबवूफर है, ये नहीं बजा रहा है, ये बस लगी हुई है। ठीक है, मैं खाली दोनों स्पीकर बजाऊंगा इससे। ठीक है, दोनों स्पीकर बजाएंगे इस वाली बोर्ड से, सबवूफर नहीं बजा रहे अपन। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ ले कि सबवूफर बजा रहा है, सबवूफर हम इसमें नहीं बजा रहा है, हम खाली दोनों साइड का स्पीकर को ही बजाने वाले हैं इस बोर्ड से। ठीक है, स्पीकर को मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये देखिए ये यूएसबी बीटी पैनल को भी मैंने लगा दिया है, और ये इसकी डेसिबल्स वो मेन वॉल्यूम कंट्रोल है। ठीक है, तो अब मैं इसको बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करके इसको ऑन कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा ब्लूटूथ मोड पर, अब मैं मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम इसको प्ले करते हैं। ये प्ले हो चुका है, प्ले हो चुका है दोस्तों। क्या करते हैं हम इसकी बेस टेबल्स को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम इसमें कोई हिंदी सॉन्ग थोड़ा सा ही बजाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाते।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये वाली जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये TTC 5200 की बोर्ड है, TTC 5200 और 1943 की। इसमें जो 4 एम ट्रांजिस्टर लगी है और इसके साथ SMPS सप्लाई जो लगी हुई है वो 3535 की SMPS सप्लाई लगी है 3535। और इसमें लगा हुआ है दोस्तों P55 की 4 MOSFET भी इसमें लगी हुई है, ठीक है। और इसके साथ इसमें BTV इंक्लूड है और बिल्कुल कंप्लीट बोर्ड है। और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है, बिल्कुल ज़बरदस्त बोर्ड है, ज़बरदस्त साउंड है इसकी। और इसमें हीट सिंक भी काफ़ी बढ़िया सा लगा हुआ है ना। तो और इसमें हीट सिंक में हीटिंग भी नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों आप अगर इसको किसी मशीन में या इस तरह के किसी बक्से में पैक करेंगे तो आपको इसमें एक कूलिंग फैन ज़रूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कूलिंग फैन लगाने होंगे। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों बोर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, आप ज़रूर इस बोर्ड को एक बार ट्राई करिएगा। ये वाली जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसके साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत शानदार है, बहुत अच्छी बोर्ड है ये। ये बोर्ड मैंने 1550 रुपये की मार्केट से लिया था, है ना। हो सकता है आपके एरिया में रेट अलग हो, आप इसको ऑनलाइन से भी ले सकते हो और लोकल मार्केट में आपको ये सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये 1550 रुपये की लाया था मार्केट से। इसको आप पेटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटी के लिए, या फिर ट्रक ट्रक वगैरह जो बड़ी गाड़ी ट्रैक्टर होती है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस क्वालिटी भी बहुत शानदार है। हम एक बार और प्ले करते हैं। दोस्तों बोट की साउंड क्वालिटी काफ़ी दमदार है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। देखिए दोस्तों अभी तक ये हीटिंग नहीं हुआ, गर्म नहीं है बिल्कुल भी, मामूली से गर्म है इसमें, है ना, मामूली से हीट हो रहा है इसमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड काफ़ी शानदार और पावरफुल बोर्ड है, इसको निकाल दिया जाए, बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सेलकॉन कंपनी का बोर्ड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड है इसमें। आप ने सुन लिया होगा इसके साउंड और बेस और टेबल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप इस बोर्ड को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, इसके साउंड क्वालिटी काफ़ी दमदार है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।